नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी आज के इस बेहद खास अपडेट में। आजमगढ़ से की सीट से लगातार ही दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का चुनावी दंगल चल रहा है, जहां अखिलेश यादव के सामने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ खड़े हुए हैं, तो वहीं पूरी टक्कर वो दे रहे हैं आजमगढ़ की सीट से अखिलेश को। जी हाँ, अब देखते हैं कि क्या चुनाव में जो उतर पड़े हैं अब दिनेश लाल यादव जी, क्या अंजाम वो लेकर आते हैं। लेकिन भाई ऐसा लग रहा है कि चुनाव में लगभग अपनी जीत तय करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक और चाल चली है। दरअसल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माता के साथ मिले थे, तो काफी ज्यादा खबरें बनी थी माता के साथ रहकर जिस तरीके से उन्होंने कुछ खाया था, आशीर्वाद लिया था, तो वहीं उसी तरीके से अब दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भी माँ का आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दिए हैं। आज अब देखेंगे हमारे इस खास पेशकश में कि किस तरीके से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जो हैं अपनी माता जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, उनके हाथ से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और साथ ही अपनी जीत का लगभग वो ऐलान कर रहे हैं। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए रूबरू कराते हैं। भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बेहद ज्यादा फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। 23 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान हुआ था और पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात में थे, जहां उन्होंने अपनी मम्मी से मुलाकात की थी और उनकी फोटोज और वीडियोस काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी। अब पीएम नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हुए उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ भी अपनी मम्मी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गए। जी हां, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के फैंस इसे लेकर बहुत ही दिलचस्प कमेंट भी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव साल 2019 के इस जंग में हर कोई अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहा है। भोजपुरी सिनेमा के स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने इंस्टाग्राम पर मां के साथ इस तस्वीर को पोस्ट किया था। निरहुआ ने इस फोटो के साथ लिखा था, माई हो ललनवा दे देशवा के करनवा, अपने गोदिया के सुगनवा दे। इस तरह निरहुआ ने मां के साथ मुलाकात का विवरण दिया था। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि इस फोटो में निरहुआ अपनी मम्मी के हाथों से कुछ खा रहे हैं। हालांकि फैंस का इस पर मिला जुला रिएक्शन भी सामने आया। कुछ फैंस ने कहा कि आप मोदी की नकल कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ने उनकी जमकर तारीफें भी की। यही नहीं, कुछ फैंस ने तो उन्हें चुनाव से पहले ही जीता हुआ बताया, जबकि कुछ ने कहा कि वो हार सकते हैं। भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज स्टार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ सीट से समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। निरहुआ इन दिनों आजमगढ़ में ही डेरा जमाए हुए हैं और वो यहां पर खून पसीना बहा रहे हैं ताकि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ यहाँ से जीत हासिल कर पाए। निरहुआ भोजपुरी सिनेमा के एकमात्र ऐसे सितारे हैं जिनके नाम से फिल्में बनती हैं और काफी ज्यादा चलती भी हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे के साथ उनकी जोड़ी सुपर डुपर हिट रही है और सोशल मीडिया पर उनके सॉन्ग्स पूरे तरीके से धमाल मचा जाते हैं। पर जिस तरीके से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पसंद किया जाता है, जिस तरह से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के नाम से अगर फिल्में बन जाए तो वो फिल्में चल जाती हैं, तो भाई अब देखना वाकई में दिलचस्प होने वाला है कि क्या दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जो कि चुनावी मैदान में अब आ चुके हैं, चुनावी दंगल वो लड़ रहे हैं, तो क्या दिनेश लाल यादव जी को जीत हासिल हो पाती है आजमगढ़ से। यूं तो ये जीत इतनी आसान नहीं है, लेकिन अपनी पूरी कोशिशें दिनेश लाल यादव कर रहे हैं कि भाई वो जीत जाए आजमगढ़ की सीट से। बीते दिनों जहाँ पब्लिक को उन्होंने काफी ज्यादा लुभाया था, जहाँ पब्लिक के बीच उन्होंने बेहतरीन गाना गाया था, जहाँ पब्लिक के बीच दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पूरे तरीके से ही छाते हुए नजर आए थे और उन्होंने सभी को वहाँ पर अपना दीवाना बना लिया था, तो वहीं इसी बीच भाई अब फिर से वायरल होने लगी है
दिनेश लाल यादव और निरहुआ की तस्वीरें अपनी माँ के साथ हुई मुलाकात की। माँ का आशीर्वाद उन्होंने ले लिया है और माँ का आशीर्वाद हमेशा काम आता है, ये बात आप सभी जानते ही होंगे। तो वहीं अब देखते हैं कि उनकी जीत निश्चय है या फिर नहीं।